कायरी मिन्नसान। 1.19 को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है और मेरा भी कोई माइनक्राफ्ट खेलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कल माइनक्राफ्ट की एक अमेजिंग सीड का मेरे से सामना हुआ और इस सीड को देखने के बाद मैंने सोचा कि इस पे सर्वर खेलना तो बनता है। सो देरी है किस बात की, लेट्स स्टार्ट द वर्ल्ड। सो गाइज, आ चुके हैं हम हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर एंड इस सीरीज का मेरा एक ही गोल रहेगा। पहले तो इस रिकॉर्डिंग सिंबल को हटाना है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो आ चुके हैं हम हमारे प्यारे से सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। इस सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर मैंने थोड़े से रिसोर्स पैक्स यूज़ करे हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। एंड इस सर्वाइवल सीरीज के अंदर मेरा एम रहेगा कि मेरे को बहुत सारे बिल्ड्स करनी है एंड हो सके उतना रिप्ले मोड का यूजेज करना है। रिप्ले मोड का यूजेज एंड बिल्ड्स, इन दोनों चीजों के अंदर मेरे को हो सके उतनी ज्यादा मास्टरी करनी है। सो लेट्स सी हमारे आइलैंड की सिचुएशन क्या है। लुक्स प्रीटी गुड। संकन शिप भी है यहाँ पे एंड एक पेड़, नाइस। लेट्स सी द संकन शिप फर्स्ट। ओहो, आयरन और लैपिस इतनी जल्दी। अभी हम जबकि यही से आइलैंड पे रहने वाले हैं तो आई थिंक मैं यहाँ पे लैपिस और आयरन नगेट सेव कर सकता हूँ। अभी मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, आयरन भी थोड़ा सा यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड बाकी की पूरी शिप इसके नीचे है तो आई डोंट थिंक मैं इसे और ज्यादा खुद रेत देना चाहता हूँ। बैक टू द बिजनेस। ये क्या है? क्या ये टर्टल है? ये डैम। एनीवेज, यू नो व्हाट, तेल लेने गई वुडन एक्स। हम स्टार्ट करेंगे सीधा आयरन एक्स। ओह माय गॉड। एंड अभी सूरज हमारे माथे पे है, आइलैंड पे एक भी शिप नहीं है तो आज की रात कैसे कटेगी। तो वहां पे मुझे एक आइलैंड दिख रहा है, वहां पे जाके अपन देखते हैं, वहां पे अगर कोई शिप मिल जाती है तो। आई टेक द शुगर कैन, थैंक यू। Turtles. So guys, इस आइलैंड को भी देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी दूर दूर तक कहीं पे भी शिप का नामो निशान नहीं है। We need to do something else. Back to the home island. Sugar cane कर देते हैं plant. And let's see आसपास अगर कोई और आइलैंड है। वो आइलैंड वहां पे हो गया जहाँ पे नहीं थी कोई भी शिप। Ouch. एक और संकन शिप। ये मेरे को टाइम मिलने दे, बस एक बेड मिल जाने दे, फिर सारी चीजें लूट लेंगे अपन। हे प्लेन्स भाई, प्लेन्स में होगी ना शिप। डॉगी मारिया। डॉगी तो रुका, मैं तेरे लिए वापस आएगा, चिंता मत कर। गाइस, किसे चाहिए प्लेन्स की शिप जबकि हमारे पास पूरा का पूरा विलेज है और शिप भी है। एनीवेज, ये क्या है? यहाँ पे नहीं गिरना चाहते अपन, डेफिनेटली वहाँ पे आयरन है। लेकिन गाइस, तुम लोगों को पता है अगर हेवेल के ऊपर जंप करते हैं ना तो डैमेज नहीं होता जितना होना चाहिए। सी गाइस, तुम लोगों को एक सीक्रेट टिप जाननी है, इन विलेजर्स को कैसे ट्रैप करते हैं। बेड दरवाजे को तोड़ो एंड ऐसे आड़े देख के ऐसे दरवाजे लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लगाते हैं अंदर की तरफ। सो सी गाइस, अभी है ना, विलेजर्स को लगेगा कि ये दरवाजा खुला है, अंदर नहीं जा पाएगा ये। ए, काऊ भी मिल गई हमें। इस विलेज को है ना, आज की रात यहीं पे कैंप डालते हैं अपन और कल सुबह फिर इस पूरे के पूरे विलेज को लूटते हैं अपन। एंड पहले तो अभी जाके सो जाते हैं अपन। सी, इस विलेजर को नहीं आता अंदर सोने जाना। थैंक यू। फंस गया ये विलेजर, he can't get out, neither can he come in. Let's see क्या है इस विलेज। ए बिल्स, I'll take it. Oh, maps, I'll take it. Paper, I'll take it. You know what? Chest also, I'll take it. Well, I'll take it. Hey, brewing stand. Wow, I'll take it. Coal, I'll take it. उड़ता हुआ farm. Do I take it? Because I love it. कितना प्यारा लग रहा है उड़ता हुआ farm. अपन को चाहिए, ठीक है, एक उड़ता हुआ farm. Like ऐसे पेड़ के ऊपर farm. Like देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ठीक से अगर देखो ना, तो ये पेड़ है अकेशिया का, ठीक है? And उस पेड़ के ऊपर पता नहीं कौन सा आर्किटेक्ट था, जीनियस सा, उसने farm बनाया और उस farm के ऊपर मिट्टी भी डाली है उसने और यहाँ पे पानी भी है। Genius. Simply genius. Anyways, hey, you know what? ये क्ले मैं ले जा रहा हूँ, मेरे को चाहिए। Thank you. ये बच्चा बाहर आने का ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं आ पा रहा। बच्चे देख, तेरी मैं चेस चुरा रहा हूँ तेरे सामने। आजा, आजा, आना बाहर। ले खोल के दो दरवाजा। ले खोल के दिया। ले, लेना, लेना।
यहाँ पे भी है घर इस फव्वारे के नीचे। वो ये केव है पूरी? केव के अंदर भी घर है? डैम, ऐसा तो कैसा है वो? लाइक खतरों का खिलाड़ी गुफा केव के अंदर रह रहा है। मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अपन ने वेट ढापा? हाँ ढापा। ये नाइस, यू नो अपन रेड बेड नहीं चाहिए, ऑरेंज ऑरेंज बेड, गुड गुड, थैंक यू। हमने सारा का सारा विलेज लूट लिया, आई गेस लूट लिया। सो अभी चलते हैं अपन वापस। एंड मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वापस जा ही रहे हैं, तो यू नो एक काऊ को लेके चलते हैं, क्या पता कुछ काम ही आ जाए शायद ये काऊ। कम ऑन काऊ, फॉलो मी काऊ, फॉलो। अच्छा यू कैन डू इट काऊ, लेट्स गो। काऊ तुमसे ना हो पाएगा क्या? आओ काऊ, आओ आओ आओ। काव गिरेगी ना अंदर? ए काव में दिमाग है, काव गोल घूम के आई। वाओ जीनियस, काव इज जीनियस। काव कम ऑन काव, फॉलो योर मास्टर। ये इंटरेस्ट नहीं है काव को। हाँ है, यहाँ पे बोट में। हाँ शाबाश, चल। यू नो इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन हम कहाँ भागे जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करते जाएंगे, सही बात है ना काव? ये सो नाउ लेट्स सी कि अभी अपने पास खाने का तो इंतजाम हो गया है अच्छा खासा, ठीक है, फिर अपने पास रहने का भी इंतजाम हो गया है, खुले आसमान के नीचे रहेंगे अपन। और किस चीज़ की जरूरत होती है माइनक्राफ्ट में? माइनिंग पे तो अभी जाने की जरूरत है नहीं अपन को, क्योंकि एंड ऑल्सो तो क्यों ना यहीं पे एक स्टार्टर सर्वाइवल हाउस बनाए एंड यहीं पे रहा जाए अपनी बाकी की पूरी जिंदगी, जब तक मौत नहीं आती मेरे प्यारे टर्टल्स के साथ। हेलो माय टर्टल्स। सो एनीवेज, घर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वुड, और वुड हम कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली नेचर को डिस्ट्रॉय करके। ऐसे ही तो ह्यूमन अब तक करते आए हैं अपने सारी चीजें नेचर को डिस्ट्रॉय करके। कमन गाइस, तुम्हें क्या लगा कि मैं बाकी लोगों जैसा है? मैं जहाँ से पेड़ काटता है ना वहाँ पे वापस बो भी देता हूँ पेड़ को। अभी यहाँ पे बड़े से घटादार पेड़ उगेंगे। कहाँ पे काटा था इसको? यहीं पे काटा था। लेट्स स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एंड बस बैठ के देखता हूँ मैं इस, कितना प्यारा है सब कुछ। वाह, मेरे को कभी कभी क्या लगता है पता है कि हम लोग ये सब करते हैं ना कि घर बनाओ, स्पीड रन करो, डायमंड्स चाहो, विलेज, उसमें अपन लोग माइनक्राफ्ट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। सो ये मेरा एक और गोल ये भी है कि मेरे को सिर्फ माइनक्राफ्ट को एंजॉय करना है। आई वांट टू एंजॉय माइनक्राफ्ट। सो एनीवेज, अब तक हमने क्या क्या करा? अपने पास अच्छा खासा वुड है, बहुत सारे स्प्रूस के स्लैब्स हैं, थोड़ी सी चेस्ट है, टॉर्चेस है, पोल है, खाना है बहुत सारा, तो अभी देरी किस बात की? अपन अपना छोटा सा प्यारा सा आशियाना बना सकते हैं यहाँ पे। सो स्टार्टर बोट बनाना मैं शुरू करूँ उससे पहले तुम लोगों को एक और चीज करनी पड़ेगी कि बहुत टाइम से है ना तुम लोगों ने लाइक्स वाइक्स पे मेरा ध्यान नहीं दिया है एंड सब्सक्राइब पे भी ध्यान नहीं दिया है, तो मेरे को नहीं पता कितनी लाइक्स आ सकती है, बट लेट्स एम फॉर 150 लाइक्स। 150 लाइक्स तो कर सकते हो ना, तो तुम लोग 150 लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो अपने किसी माइनक्राफ्ट के अनपढ़ गवार दोस्त के साथ वीडियो शेयर करो, एंड मैं जाके बनाता हूँ एक प्यारा सा बोट हाउस। सो अपन को रिप्ले मोड स्टार्ट करने के लिए बटन चाहिए होगा। सो ये बटन आज से है रिप्ले मोड स्टार्ट करने का बटन, ठीक है? सो तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ, मैं ये बटन दबाता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग। Shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. Pop up on my timeline, change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you, I ain't like a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best, my best, best, best.
knew she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you were the winner. Missing you, touch you, were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. हे गाइस वेलकम बैक। मैंने जस्ट अभी खत्म करा ये बिल्डिंग करना एंड जहां तक मुझे याद है मैंने डे 3 पे काम करना चालू करा था ना, इट्स डे 15, समझ रहे हो तुम लोग? लाइक 12 दिन मतलब 120 मिनट, 2 घंटे से मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूँ। सो बाय द वे मेरा पूरा का पूरा आयन खत्म हो गया और फिर मेरे को 2-3 और चेस्ट्स मिली अस शिप के अंदर, उसके अंदर से ये चीजें मिली मेरे को, ये एंड सो हाँ मैंने ये शिप बना दी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना है, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेराफॉर्मिंग करी है पास ही में, क्योंकि आई फेल्ट लाइक वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा यू नो लेक बन सकता है टर्टल्स के लिए मेरे, एंड एक छोटा सा पाम ट्री बिकॉज बीच है ऑब्वियसली। एंड तुम लोगों ने शिप अंदर से नहीं देखा होगा, सो लेट मी गिव अ विजिट। पहले तो अपने बेड को अंदर ले चलते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा एंट्रेंस है, यहाँ से ऐसे करके रास्ता जाएगा और ऐसे करके ऊपर जाके वहाँ पे लेक पे जाएगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डर्ट नहीं थी तो रास्ता नहीं बना पाया मैं। फिर हियर इट इज, लाइक ये प्यारा सा यहाँ पे एक छोटा सा डेक यहाँ पे बैठने के लिए है। यहाँ पे ऐसे बार लाइक ओ शिट थंडर रोर्स, मम्मी मेरे को डर लग रहा है, सो जाता। इस चीज का इंटीरियर थोड़ा सा बाकी है बिकॉज मैं थक गया था, एंड सो ये एक छोटा सा कमरा नीचे, यहाँ पे थोड़ी सी चेस्ट आएंगी। फिर यहाँ पे एक और कमरा, ये है कैप्टन्स डेक, तो यहाँ पे बैरल्स आएंगी एंड यहाँ पे ऐसे मस्त ऐसे व्यू मिल सकता है मेरे को दूर दूर तक का, है ना प्यारी चीज। एंड फिर एट द एंड यहाँ पे टॉप पे जाके यहाँ पे ऐसे सारी बहुत सारी चीज, आफ्टर ऑल अच्छा है ये सब। एंड ये एक दरवाजा मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ से सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी चीज डाल के यहाँ से नीचे जाऊं और नीचे जाके अपन माइनिंग करेंगे, तो दैट इज द प्लान फॉर राइट नाउ। मेरे को ये बिल्ड बहुत ही पसंद आई है, तुम लोग भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को कैसे लगी है बिल्ड। सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और भी मजा करेंगे। एंड अगर तुम लोगों को ये बिल्ड पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।